हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अब जो हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे इसके एग्जांपल्स, एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स। सो जो आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको करवाऊंगा चैप्टर नंबर 2 फेडरल बोर्ड, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के एग्जांपल्स हैं। सो बच्चों, सबसे पहले एग्जाम्पल पर अगर हम फोकस करें, पढ़ें इसे, पेज नंबर 34 पे है, रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। यानी कि आपने फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि आपने एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है। तो आप फौरन दिमाग से सोचें कि हाँ, मुझे वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है। हम उनको बोर्ड लेटर में लिखते हैं, उनके ऊपर एक कैप लगा देते हैं, एरो लगाते हैं, और उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, आपने फौरन आपके जहन में ये चीज़ आनी चाहिए। एक्टिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में वो फोर्स लग रही है, तो आपने सबसे पहले यानी कि करना क्या है इसमें सॉल्व करने के लिए। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 2.1 देखो बच्चों, सबसे पहले उन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट, यानी कि आप अपने तौर पे एक ना तो दो परपेंडिकुलर ड्रा कर लो। आप हमें पता है कि यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा ही कर देता हूँ, हमने यूज़ तो करना नहीं है। साउथ, वेस्ट और ईस्ट। पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सी कंट्री पे आ रहे बच्चों? इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान, और साउथ वेस्ट में क्या आती है? ईरान। हमारे साउथ में क्या आता है? अरेबियन सी। तो मेरे बच्चों को ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। अच्छा जी, एक फोर्स है वो लग रही है बिटवीन नॉर्थ ईस्ट, तो यानी कि हमने कौन सी चीज़ जगह पे फोकस करना है? इस जगह पे, यानी कि जो हमारा जो फोर्स रिप्रेजेंट करेंगे हम, वो इस करेंगे अंदर, इस कोऑर्डिनेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे हम। अच्छा जी, फोर्स क्या है? रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टूवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। सबसे पहले बच्चों, हमने दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली। हमें पता है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक सूटेबल स्केल ले लूँगा। तो यहाँ पर इन्होंने बुक में सूटेबल स्केल क्या लिया हुआ है, ठीक है, इन्होंने क्या है कि 20 न्यूटन की जो फोर्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 सेंटीमीटर लाइन का। यानी कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करूँगा तो इट मीन्स कितने सेंटीमीटर की फोर्स होगी, कितने न्यूटन की फोर्स होगी? 20 न्यूटन की। तो मुझे बताएं कि 80 न्यूटन यानी कि 4 सेंटीमीटर जब मैं लाइन ड्रॉ करूँगा तो इट मीन्स 80 न्यूटन की फोर्स होगी, ठीक हो गया जी। तो मैं क्या करूँगा जी, यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँगा 4 सेंटीमीटर की। इमेजिन कर लें कि कितने सेंटीमीटर की लाइन है, 4 सेंटीमीटर की। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में 4 सेंटीमीटर की लाइन लगी हुई है, और हमने यहाँ पे सूटेबल स्केल बता दिया है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट द 20 न्यूटन। तो 4 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करेंगे? 80 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड फिर हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, एक एरो लगा दिया, यानी कि इसके हमने क्या शो कर दी, डायरेक्शन शो कर दी। डायरेक्शन क्या थी इसी क्वेश्चन में पढ़े, एक्टिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमने इसकी ट्रैक्शन कर दी है। तो ये बच्चों था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.1। इसी को आपने सबसे अपने वर्ड्स में लिख लेना है कि पहले मैंने परपेंडिकुलर दो ड्रा किए, फिर मैंने सूटेबल स्केल लिया, फिर मैंने एक लाइन लगा दी, फिर उसके बाद मैंने उसको एंड पे एरो लगा दिया। तो ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2.2। अच्छा, हमारे वक्त के जो टीचर थे ना, वो सीरियसली एक न्यूमेरिकल करवाते थे या दो करवाते थे, कहते थे डू इट बाय योरसेल्फ, करके आओ, सुबह चेक कराना तुसी। हम देखें बच्चों आपके लिए क्या क्या फैसिलिटीज लेके आए, तो वी ट्राई टू आवर लेवल बेस्ट कि आपको हर चीज़ ना मिले। क्वेश्चनिंग हम कोशिश करते हैं कि लेक्चर्स को और लेंथ, यानी कि लेक्चर्स के अंदर ना आपको रिलेटिव बातें बताएं, ताकि आपको लेक्चर में इंटरेस्ट पैदा हो, आप सोच सकें व्हाट अबाउट द लेक्चर्स। आप मेरे पूरे लेक्चर्स अगर देखेंगे तो वो कनेक्टेड है थ्रू अ सीरीज। मैं पिछले लेक्चर की बात लाजमी करता हूँ, गालबन आप वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का देखेंगे, तो जब भी वो मैंने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक उठाया था तो मैं सबको ही लेके चला था। जब मैं स्क्रू गेज पढ़ाता था पीछे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, मीटर रूल का, मेजरिंग स्केल का, मेजरिंग टेप का, वर्नियर कैलिपर का इंट्रोडक्शन लाजमी देता था, ताकि जो फर्स्ट टाइम वो वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा सा बता क्लियर हो जाए। जो रेगुलर बच्चे हैं उनको कोई इशू नहीं होना चाहिए। ओके, सो
वन मोर थिंग, मैं अक्सर हाँ एक कमेंट्स में देख रहा था, मैं एक बच्चा कहता कि सर योर वीडियो इज इनकम्प्लीट. बेटा लिटरली क्या होता है, वीडियो लेक्चर इज कम्प्लीट, लेक्चर कम्प्लीट होता है तो वो अल्लाह हाफिज करते करते ना, कभी हम जल्दी अल्लाह हाफिज कर देते हैं, कभी हम प्रॉपर अल्लाह हाफिज करते हैं. तो इससे ना वो बच्चे सोचते हैं कि हाँ सर की वीडियो कट हो गई है, लेकिन आप फोकस करें वो लेक्चर पूरा कम्प्लीट ही होता है, तो वो शॉर्ट नहीं होता. मैंने बार बार फिर देखी है. ओके सो एग्जाम्पल नंबर 2.2, स्प्रिंटर कम्प्लीट्स 100 मीटर रेस. ठीक है जी, स्प्रिंटर क्या होता है, जैसे कि यूसैन बोल्ट धुकड़ वो भागने वाले जी. वो स्प्रिंटर क्या करता है, 100 मीटर की रेस दौड़ता है और उस 100 मीटर को कवर करता है 12 सेकंड के अंदर. और यूसैन बोल्ट ने रिकॉर्ड लगाया था 9 पॉइंट कुछ सेकंड का, 4.3 का. तो ये उससे थोड़ा सा स्लो स्प्रिंटर जो भी है. तो उन्हें बताया कि इसकी आप एवरेज स्पीड बताएं. तो देखिए जी, हमें गिवन क्या है, डिस्टेंस गिवन है. डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एस से रिप्रेजेंट करते हैं. और डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 100 मीटर है. ठीक हो गया. नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है जी, टाइम गिवन है. टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम कितना हमारे पास, 12 सेकेंड है. ठीक है, ये डिस्टेंस का यूनिट, ये टाइम का यूनिट. तो यहाँ तक मेरे बच्चों को इशू नहीं होगा. तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, हमें स्पीड ही फाइंड करनी है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. ठीक है, डिस्टेंस क्या हमारे पास 100 मीटर, टाइम क्या हमारे पास 12 सेकेंड. जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8.33 मीटर पर सेकेंड. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8.33 मीटर पर सेकेंड. सो ये है बच्चों हमारा एग्जांपल नंबर 2, जिसमें हमने क्या फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है. सिंपल स्पीड का फार्मूला पुट कर दिया. ये अक्सर शॉर्ट में आ जाता है, इतना ना मज़ेदार किस्म का न्यूमेरिकल नहीं है. लेकिन जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है, सॉरी एग्जांपल नंबर 2.3 है, ये मेरा फेवरेट न्यूमेरिकल है. मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स का टेस्ट लेता हूँ, मैं बच्चों ये न्यूमेरिकल लाजमी देता हूँ, लाजमी. मुझे पता नहीं क्यों ना अट्रैक्टिव सा लगता है ये न्यूमेरिकल. कभी बोर्ड में आया नहीं है, शायद आया है कि नहीं, मुझे ऐसा आइडिया नहीं, लेकिन आना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है ये. ये तुम एरो क्या कर रहे हो यहाँ पे. ओके सो न्यूमेरिकल नंबर 2.3, अ साइक्लिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ द सर्कुलर ट्रैक. यानी कि सर्कुलर ट्रैक ऐसे होता है बच्चों, ठीक है, उसका हाफ राउंड कैसे होगा, कुछ ऐसे ही होगा हाफ राउंड उसका जी. वो यहाँ से चला था इस पॉइंट से, इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, ठीक है, और उसने यहाँ तक का एक डिस्टेंस कवर कर लिया. ठीक है, और उन्होंने कहा जो इस जो सर्कुलर ट्रैक का जो इसका जो रेडियस है, वो उन्होंने क्या गिवन दिया है जी, वो मैं चेक कर लेता हूँ, 3.318 मीटर. ठीक हो गया, आर इज इक्वल टू 318 मीटर. ठीक हो गया जी. और हमें इसका कितनी देर में कवर करता है, इन 1.5 सेकंड्स. तो यहाँ से यहाँ तक आता है 1.5 सेकंड्स के अंदर, ठीक है, 1.5 मिनट्स के अंदर, सॉरी. तो हमने इसमें बताना क्या है, हमने इसकी एक स्पीड फाइंड करनी है और वेलोसिटी फाइंड करनी है. अच्छा, मेरे पास ये फिगर आ गई है, तो अब मैं सोचूंगा यार मेरे पास एक रेडियस गिवन है, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल क्यों अच्छा लगता है, अप्रोच इसमें चाहिए थोड़ी सी. क्या मुझे रेडियस गिवन है, मुझे टाइम गिवन है, चलो ठीक है, मुझे पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. अब ना डिस्प्लेसमेंट है इसमें, ठीक है, और डिस्टेंस भी प्रॉपर गिवन नहीं है इन्होंने यानी कि ना है, ये है डिस्टेंस भी प्रॉपर इन्होंने गिवन नहीं है, तो फिर अप्रोच क्या होगी मेरी. तो सबसे पहले देखें, हम देखते हैं इसमें रेडियस जो गिवन क्या चीज़ है, वो रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, 318 मीटर. दूसरी चीज़ क्या गिवन है, टाइम. टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, 1.5 मिनट्स, यानी कि एक और आधा मिनट, ठीक है, और विच इज़ इक्वल टू 90 सेकेंड्स. ठीक है, आपको पता होगा एक मिनट में 30 और हाफ 30, तो 90 सेकेंड्स हो जाएंगे. अच्छा, डिस्टेंस कवर क्या होता है, हमने पढ़ा होगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, मैं साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये होता है 2 पाई आर, और सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल होता है
इसको टू से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे मैं सेमी लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा पाई आर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो असल में क्या है, पाई आर। तो मैं लिखूँगा टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस सॉरी, ये क्या बन जाएगा जी, पाई आर, और पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14, आर की वैल्यू है 318। जब मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कुछ आ जाएगा 999 मीटर। अब डिस्टेंस इज देयर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा जी, डिस्प्लेसमेंट, अब मैंने क्वेश्चन में था स्पीड फाइंड करनी है और वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो जी यहाँ से मैं लगाऊंगा जी, अब फाइंड करूँगा नेक्स्ट वेलोसिटी के लिए। सारी बातें आप सोचेंगे यार मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पॉइंट ए से पॉइंट बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, अगर मैं सुपरमैन होता तो मैं यहाँ से सीधा ही जाता, ठीक हो गया। तो यानी कि एक आर और टू आर, तो टू आर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक आर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, दूसरा आर यहाँ से यहाँ तक, तो इसको मैं टू आर लिख लूंगा। तो टू आर इज अ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टू आर, और टू आर की जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये आ जाएगी हमारे पास 636 मीटर। तो बच्चों यहाँ से मैंने डिस्टेंस भी निकाल लिया और मैंने डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया। तो सिंपल अब क्या करना है, फार्मूला लिखने हैं, स्पीड इज इक्वल टू एस ओवर टी, यानी कि डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हमने क्या निकाला है, 999 मीटर, और हमारे क्या टाइम क्या हमारे पास 90 सेकेंड्स, ठीक हो गया। जब हम इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 11.1 मीटर पर सेकेंड। मीटर इसका यूनिट, सेकेंड इसका यूनिट। तो सेम जब मैंने यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी के लिए बच्चों मैं फॉर्मूला पुट करूँगा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डी बोल्ड में ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास निकला था 636 और टाइम है 90, तो जब इसका आंसर आ जाएंगे मीटर में या सेकेंड में, आंसर हमारे पास आ जाएगा 7.07 मीटर पर सेकेंड। तो ये जी हमारे पास हो गया स्पीड, ये था हमारे पास स्पीड, और ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर, एग्जांपल नंबर 2.3। सो अगला है जी, हम चलते हैं 2.4 की तरफ। चेक करते हैं बच्चों हमें 2.4 क्या कहता है। देखिए 2.4 हमें क्या कहता है, कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि कार पहले रेस्ट पे थी, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। बिकम्स, और बाद में जब हम आप कार को जब आपने एक्सलरेट किया, आपने उसको गियर से लगाया, तो वो उसकी स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकेंड। और कितनी देर में उसने 20 मीटर पर सेकेंड कवर की है, अचीव की है, 8 मिनट में। तो मेरे पास देखें, अब एक और क्वेश्चन में फाइंड करना है, एक्सलरेशन फाइंड करना है। तो मैं क्वेश्चन देखूंगा, मेरे पास क्या गिवन है जी, स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वी आई मेरे पास है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो चीज़ रेस्ट पे थी, ठीक है, चल नहीं रहे थे। तो चीज़ रेस्ट पे क्या होती है, उसकी वेलोसिटी और स्पीड जीरो हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, वो जो उसने कुछ देर बाद अचीव की है। फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी एफ से, विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास टाइम कितना लगा जी फाइनल वेलोसिटी को अचीव करने में, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और विच इज इक्वल टू कितने जी, 8 सेकेंड लगे, 8 सेकेंड लगे, ठीक हो गया। अगर किसी को एक्सेलरेशन का फार्मूला पता है तो बच्चों, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना है, डिवाइडेड बाय टाइम करना है। तो यहाँ पे मैं फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दूंगा, विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, माइनस जीरो आ जाएगा, और टाइम की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, जो आ जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 20
डिवाइडेड बाय 8 और 20 डिवाइडेड बाय 8 हमारे पास आंसर आ जाता है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी का यूनिट है, तो हम सॉरी एक्सेलरेशन का यूनिट है, तो एक्सेलरेशन क्या है उस चीज़ की 2.5 मीटर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। अच्छा जी, अब ये है हमारा 2.4 था, अब हम जा रहे हैं 2.5 की तरफ। टू पॉइंट फाइव हमें जी क्या कहता है, 2.1 हमें ये कहता है कि दिल लगा के पढ़ा करो, ठीक है, टेंशन शेंशन बेटा काम सुकून से इंजॉय करके पढ़ा करो, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। अभी ना बंदा वो कहते, एक पंजाबी में मिसाल है कि खून साड़ता है अपना बंदा, तो बी काम स्टे काम, ठीक है, डेली बेसिस का एक स्केड्यूल बना लो 1.5 आवर 2 आवर तक, ठीक है, और बुक्स को पहले वीडियोस देखो, अगर आप इल्म यानी कि इल्म की दुनिया से पढ़ रहे हो आप, तो वीडियोस देखो, देन कंसर्न विद द बुक्स रीड करो, तो बेटा आई थिंक सो इट्स अ प्रॉपर वे, ठीक है। मुझे बच्चों के अक्सर कमेंट्स आते हैं कि सर बुक काइंडली लेक्चर और अपलोड करें, तेज़ी से करें, तो बच्चों ये है कि ना इट टेक्स सो मच टाइम, क्योंकि हमारे पास अपना यानी कि प्रॉपर क्लासरूम का एक और वे होता है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो का एक और वे होता है, तो इट टेक्स टाइम। तो ये है कि कोशिश पूरी होती है कि मैं टाइम पे यानी कि बच्चों को अपलोड करता हूँ, लेकिन हाँ जो बच्चे प्री नाइन्थ में या अभी नाइन्थ में जाना है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि 2019 इज़ द बिगिनिंग, 2020 के लिए वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो क्या कहते हैं ना एक प्रॉपर वे चल रहा है। अब जी बच्चों हम चलते हैं 2.5 की तरफ, तो ये भी है जी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वाला जी, हमारे कल बहुत इजी है। फाइंड द रिटार्डेशन, बेटा रिटार्डेशन को मैं आपको रिवाइज करवा दूँ, रिटार्डेशन होती क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन देखें, पीछे पढ़ा था हमने एक्सेलरेशन जीरो से गई कहाँ पे गई, 20 पे गई, अगर वो 20 से जीरो पे आ जाएगी यानी कि सडन जब ब्रेक लग जाएगी, तो उससे कहेंगे रिटार्डेशन, यानी कि बढ़ने की बजाय एक्सेलरेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो पहली बात की क्या रिटार्डेशन है, यानी कि आप जब आप खुद सोचेंगे रिटार्डेशन आई, तो आप समझेंगे भैया इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। अच्छा जी, व्हेन अ कार मूविंग इधर, वो देखें वो 30 की वेलोसिटी मूव कर रही है, तो कुछ आगे में ट्रैफिक आ गई होगी, उसके उसने स्लो करके उसको 15 मीटर पर सेकंड पे कर लिया है, तो इतनी टाइम में करा है, तो बताएं जी क्या बताना जी हमने इसमें, हाँ जी एक्सेलरेशन फाइंड करनी, रिटार्डेशन इनके फाइंड करनी है। मैं सिंपल वी आई लिख रहा हूँ, शुरू में कितने पर जा रहा था, वो 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। VF क्या हो गई है थोड़ी देर के बाद, 15 मीटर पर सेकंड हो गई है, ठीक है। कितनी टाइम में उसने वो गाड़ी को स्लो किया है जी, 5 सेकंड में स्लो किया। सिंपल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T। VF की बच्चों वैल्यू पुट कर दो, 15 माइनस 30 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 5, जो हम कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, तो यानी कि हर सेकंड के हिसाब से उसने स्पीड कितनी कम कर ली है, माइनस वेलोसिटी -3 के हिसाब से कम कर ली है, तो यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट द व्हाट इट इज डिसेलरेशन और रिटार्डेशन, और इसको हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या यहाँ पे आ गई, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉजिटिव में होता है, वो आप बता सकते हैं कि नेगेटिव साइन को एलिमिनेट करेंगे तो 3 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स थे 2.5 तक, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में आपको मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।